हेलो स्टूडेंट, दिस इज पंकज कुमार। वेलकम टू बुलसाई चैनल। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर, यू नो, थ्री मोर स्पेशल इंटेग्रल रूल्स। रूल्स को आप इस वीडियो में, मैंने तीन स्पेशल इंटीग्रेशन रूल और भी लिया है जिसका फॉर्मेट इस तरह से है। स्टूडेंट, dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट जब होगा इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी होगा। फॉर्मूला याद कर लीजिए, dx बाय अंडर रूट x। देखिए, अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने विदाउट रूट वाला स्पेशल इंटीग्रेशन बताया था। इस वीडियो में सब में रूट है, देख लीजिए रूट। तो जब रूट के अंदर होगा तो फॉर्मेट इस तरह से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। और अगर dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी होगा। अब इस तीनों रूल को मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है जिसकी मदद से आप अंडरस्टैंड करो। पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट, dx बाय 9 अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। यानी फॉर्मेट कौन सा हुआ स्टूडेंट, पहले वो पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी पहला फॉर्मेट हुआ, तो इसका मतलब उसको हमको साइन इनवर्स एक्स बाय ए के रूप में लाना होगा। तो हम 9 बाय 25 को एक्स स्क्वायर लाने के लिए 25 से दोनों में डिवाइड करेंगे, तो 9 बाय 25 इधर हो गया और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। अब चूंकि एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर है तो रूट से बाहर जब आएगा तो 25 को रूट के बाहर करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 5। तो 1 बाय 5 कोएफिशिएंट हो गया। dx बाय, अब 9 बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 बाय 25 किससे बना है, 3 बाय 5 का होल स्क्वायर से। यानी ये हो गया स्टूडेंट आपका ए स्क्वायर, देख लीजिए ए स्क्वायर। तो 3 बाय 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। 1 बाय 5 कोएफिशिएंट है, लिख लीजिए। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ए की जगह क्या लिखिएगा, 3 बाय 5, 5 ऊपर चला जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा 1 बाय 5 साइन इनवर्स 5 एक्स बाय 3 प्लस सी। नेक्स्ट सम पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर को लाना है तो 4 से डिवाइड करोगे ना, 4 बाय 4, यहाँ 9 बाय 4, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, चूंकि रूट के बाहर आएगा तो 4 का रूट होता है 1 बाय 2, वो कोएफिशिएंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर में 4 से डिवाइड किए तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ 9 बाय 4, 9 बाय 4 को अंडर रूट लोगे तो कैसे रहोगे स्क्वायर में, 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, देखिए ये वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आप लिखिए 1 बाय 2 को कोएफिशिएंट है, बाहर लिखो है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यानी 9 बाय 4 लिखिएगा प्लस सी। अब ये देखिए ध्यान से, 4 को आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय 4, चूंकि रूट के अंदर 4 है तो 4 का 2 होता है इसलिए 2 बाहर आ जाएगा। तो 1 बाय 2 लॉग 2 एक्स प्लस अंडर रूट 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। एक और सम देखिए स्टूडेंट, लास्ट वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर लाने के लिए 16 से डिवाइड यहाँ भी करोगे, 16 से डिवाइड यहाँ भी करोगे, तो ये हो गया। अब 16 को रूट के बाहर निकालोगे तो 1 बाय 4 कोएफिशिएंट तो बाहर आ गया। अब 16 के जगह एक्स स्क्वायर, क्योंकि 16 कैंसिल हो गया, और 25 बाय 16, 25 बाय 16 को स्क्वायर के रूप में लिखोगे तो 5 बाय 4 लिखोगे, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 1 बाय 4 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय 16, इसको एलसीएम लोगे तो 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय 16, बाय 16 का 4 बाहर आएगा इसलिए 4 एक्स प्लस इतना भी लिख सकते हो। सो इन दिस वे स्टूडेंट, आई होप ये सारे रूल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। यू नीड प्रैक्टिस सो दैट यू कैन गेन योर कॉन्फिडेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।